सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का बता देंगे जी, बिल्कुल बता देते हैं आपको। स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। जी, ISA 200 की हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी और उसके अंदर हमने कहा था कि जी हमने क्या क्या करना होता है। वो ये था कि जी तमाम ISAs की कंप्लाइंस करेंगे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स की तमाम की कंप्लाइंस करेंगे। इसके अलावा हमने क्या कहा था, हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से अपने ऑडिट को प्लान एंड परफॉर्म करेंगे। इसी तरह प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। हमें रीजनेबल अश्योरेंस के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। अब बात यह है कि ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है कि जी आप, हमने कहा था कि जी हम कुछ परफॉर्म करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। फॉर इंस्टेंस, मैंने कहा मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर सबसे पहले आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और सपोज लिखा आ रहा है 2.5 मिलियन का है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब 2.5 मिलियन, क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाकई में 2.5 मिलियन का मेरे पास मौजूद है, यानी कि क्या ये एग्जिस्ट करता है, इसकी एग्जिस्टेंस है, मुझे इस चीज को वेरीफाई करना होगा। मैं कैसे वेरीफाई कर सकती हूँ, मैं जाके इंस्पेक्शन कर लूँ, मैं ऑब्जर्वेशन करूं, मैं कहूँ दिखाओ मुझे ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डिटेल क्या है, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, प्लांट है, मशीनरी है, कंप्यूटर्स है, फर्नीचर है, वो क्या है, जाके फिक्स्ड एसेट रजिस्टर देख लूं, जाके इन एग्जिस्टेंस जहां पे जो चीज मौजूद है उसको देख लूं। अब जब मैंने ये जो प्रोसीजर, अब ये इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन ये क्या था, ये एक ऑडिट प्रोसीजर है। और जब मैंने जाके उसकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई किया तो मुझे क्या मिला, सबूत किस चीज का, कि वाकई में यह प्रॉपर्टी प्लांट इन इक्विपमेंट मौजूद है। एक और एग्जांपल लेते हैं जी, डेटर, डेटर्स का बैलेंस आ रहा है सपोज 700,000। क्या ये डेटर्स वाकई में इतने हैं मेरे, क्या वाकई में मेरे, मुझे किसी ने 7 लाख रुपया देना है, कैसे वेरीफाई करूं। मैंने कहा कि मैं ये चेक करूंगी 7 लाख किसने देना है। मैं कहती हूँ सपोज 2 लोगों ने देना है, एक ने 3 लाख देना है, एक ने 4 लाख देना है, टोटल हो गया 7 लाख। मैं किनको कंफर्मेशन लेटर भेज देती हूँ कंपनी की तरफ से कि भी आप कंफर्म करें कि आपने मेरे 3 लाख रुपए देने हैं, या लिख लेती हूँ कंफर्म करें आपने मेरे 1.5 रुपए देने हैं। अब जब उनका जवाब आएगा सपोज 3 लाख आ गया और 4 लाख ही आ गया, तो ये 7 लाख का बैलेंस मैंने वेरीफाई कर लिया कि वाकई में 7 लाख का मुझे लोगों ने पैसे देने हैं, मैंने कंफर्मेशन भेज दी। या फिर ये डेटर्स का बैलेंस तो ये रेंट पे आ रहा था, 30 जून को आ रहा था, आपको मालूम है कि हम तो ऑडिट करने के लिए ये रेंट के 1 महीना 2 महीने बाद जाते हैं। सपोज हम सितंबर में गए और हमने उनसे पूछा आपके डेटर्स कितने दिनों में पैसे देते हैं, उन्होंने कहा जी हमारे डेटर्स 15 दिनों के अंदर अंदर पैसे दे देते हैं। तो अगर 30 जून को 7 लाख का बैलेंस आ रहा था, इसका मतलब है 15 जुलाई तक ये पैसे मिल जाने चाहिए थे। तो मैं रिसीट चेक कर लूंगी, क्या ये 7 लाख की रिसीट मेरे पास है, कोई कैश रिसीव हुआ है मेरी बैंक स्टेटमेंट में। अगर तो वाकई में 7 लाख आया तो इसका मतलब है कि ईयर एंड पे जो 7 लाख का डेटा शो किया हुआ था ये ठीक था। अब ये जो मैंने कंफर्मेशन भेजी, अब ये जो मैंने उसकी सब्सिक्वेंट रिसीट चेक की, ये क्या चीज है, ये ऑडिट प्रोसीजर है।
जिससे मुझे इस अमाउंट से रिलेटेड सबूत मिला कि वाकई में ये अमाउंट सही है। तो अब उसने ये जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट का मतलब है कि सफिशिएंट का मतलब है क्वांटिटी वाइज कितने सबूत चाहिए। फॉर इंस्टेंस कंफर्मेशन भी मैंने भेज दी, मैंने उसकी सब्सिक्वेंट रिसीट भी चेक कर ली, तो हमने कहा दोनों से अगर अप्रोप्रिएट किया क्वालिटी कि क्या वाकई में ये सपोज कंफर्मेशन ही मैं एक भेजती हूँ, ठीक है, कंफर्मेशन का प्रोसीजर सिर्फ इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने कहा ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने कंफर्मेशन भेजी है और वो कंफर्मेशन ऑडिटर को आने की बजाय मैनेजमेंट को आई है, या मैनेजमेंट मुझे कंफर्मेशन लेटर लिख के दे रही है, तो मैंने कहा नहीं, इसकी क्वालिटी अब ठीक नहीं है। क्यों मैनेजमेंट क्यों मुझे लिख के भेज दिया? मैनेजमेंट की चीज को तो मैंने चेक करना है, मुझे आउटसाइड उस बंदे से कंफर्मेशन चाहिए, डेटर से इंडिपेंडेंट, कोई उसको उसको बायस ना कर सके, इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो मैंने कहा यहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी फिर, तो मुझे एक ऐसा ऑडिट एविडेंस चाहिए जिसकी क्वांटिटी भी इनफ हो और क्वालिटी वाइज भी वो ठीक हो, ठीक है जी। जी रजा क्लियर है। अभी हम जब ISA 500 पढ़ेंगे तो इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे, जिस तरह उसने क्वालिटी के आगे लिखा हुआ है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, कि वो ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ये क्या चीजें सारी हम ISA 500 के अंदर देखेंगे। जी कोई और सवाल? जी अहमद आपका कोई सवाल? अच्छा जी, आज हमने शुरू करना है हमारा कंपनीज एक्ट का जो पोर्शन है हमारे सिलेबस के अंदर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, कि जी ऑडिटर ये जो जिसकी हम सारी बात कर रहे हैं कि जी ऑडिटर ने ऑडिट करना है, तो ये ऑडिटर इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ठीक है जी, इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा, इसी तरह इसकी डिसक्वालिफाई कब कब होगा, फर्दर इसकी ड्यूटीज क्या होंगी, ठीक है, एंड अगर इसको रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे। ये कंपनीज एक्ट 2017 की प्रोविजंस है और इससे बहुत ही अच्छा सवाल आता है, यूजली 5 नंबरों का 8 नंबरों का क्वेश्चन इधर से आता है। अगर हम इसको देखें हमारे पास पेपर्स के अंदर, तो ये देखिए ये कंपनीज एक्ट 2017 के सवालात हैं, अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं और ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर ये सवाल आ रहा है, स्प्रिंग 2021, ऑटम 2021, स्प्रिंग 2021, ऑटम 20, स्प्रिंग 20, ठीक है, स्प्रिंग 19, 18, यानी कि हर अटेम्प्ट के अंदर आपको ये सवाल कंपनीज एक्ट से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है, यानी कि हर साल 2 अटेम्प्ट होते हैं और आपको देखें कि हर ईयर में 2-2 सवाल आ रहे हैं और इनके मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे मेंशन है नहीं, मार्क्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, मार्क्स जहाँ पे सवाल है, अब ये पेज अगर हम मैं आपको दिखाऊं उनके मार्क्स भी देख लें, ये देखिए 11 मार्क्स का क्वेश्चन है, देन स्प्रिंग 2012 के अंदर ये टोटल है अराउंड 6 7 8 9 10 12 मार्क्स का क्वेश्चन,
इसी तरह यहाँ पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इधर भी अराउंड 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर हम रीसेंट अटेम्प्ट देखिए, देखें कि रीसेंट अटेम्प्ट में कितने का है, ये देखिए स्प्रिंग 19 3 मार्क्स, ऑटम 18 6 मार्क्स, स्प्रिंग 20 26 मार्क्स, ऑटम 20 24 मार्क्स, स्प्रिंग 2021 5 मार्क्स, ऑटम 2021 3 मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स की वेरिएशन आपको नजर आ रही है, लेकिन सवाल जरूर मौजूद है। अब ये देखिए कि चैप्टर वन में से 2 पोर्शन कर लीजिए, एक कंपनीज एक्ट का अलग पोर्शन है और दूसरा, और दोनों से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। अगर आप याद यहाँ पे देखें कि ऑटम 2020 के अंदर जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है उसमें भी देखें 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 भी है, 9C भी है, एंड देन कंपनीज एक्ट में भी सवाल है, ये देखिए 9B, ठीक है। यानी कि पहले चैप्टर में से 3 सवाल है ऑटम 2020 के पेपर के अंदर, ठीक है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर की इम्पोर्टेंस यहां से ही आइडेंटिफाई हो जाती है कि जनाब इस सवाल, इस चैप्टर के 2 पोर्शंस कर लीजिए, एक कंपनीज एक्ट का पोर्शन और एक बेसिक कॉन्सेप्ट का पोर्शन, और उसमें से सवालात को देख लीजिए कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। यूजली होता है ना, फर्स्ट चैप्टर है, अच्छा छोड़ दो इसको, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। नो, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि आपके जो सवालात हैं यहाँ से आप इसको 10 नंबर तो समझ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अटेम्प्ट में हो। आपने उसने आपको टेस्टिंग की वो बता दी है कि जी सेंस ये जो आपका शुरू का जो पोर्शन है, जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, वो T1 की कैटेगरी में आता है, और जो कंपनीज एक्ट का पोर्शन है वो T2 की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाले में से मैक्सिमम 8 नंबर का सवाल है, और जो बाकी जो पोर्शन है उसका सवाल, जो कंपनीज एक्ट का जो पोर्शन है उसके अंदर सवाल आपका 20 मार्क्स तक आ सकता है। तो यूजली 20 का नहीं आता, आपने देखा पिछले अटेम्प्ट में 11 12 इतने नंबरों का सवाल है, 8 नंबरों का सवाल है, 9 नंबरों का सवाल है, ठीक है जी। अब वो सवाल किस पोर्शन से आता है वो भी देख लेंगे। इसमें कुछ जो छोटे छोटे सवाल हैं वो हैं आपके अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन से रिलेटेड, ठीक है। और जो आपका सवाल जो 10 नंबर या 12 नंबर का जो सवाल है वो है जनाब आपके ये जो डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है यहाँ से, ठीक है। अगर हम इसको बुक में देखें, जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3.4 है, डेट इज योर T2 कैटेगरी, दिस वन क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ये जो टॉपिक है ये T2 कैटेगरी का टॉपिक है, और बाकी जो इसके अंदर तमाम टॉपिक्स हैं दैट इज T1, वहां से आपके पास T1 यानी कि मैक्सिमम 8 नंबरों का सवाल आ सकता है। लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3.4, इससे आपके पास, मैंने आपको बताया कि आपके पास 20 नंबर का सवाल तक आ सकता है। यूजुअली वो क्या करता है कि चैप्टर 13 कोड ऑफ एथिक्स और इस क्राइटेरिया को, दोनों को मिला के वो सवाल पूछ लेता है, या वो कभी कभार अलग भी पूछता है कि भी बताओ कि इस पर्सन को अपॉइंट होना चाहिए कि नहीं एज पर कोड ऑफ एथिक्स या एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है। अगर वो दोनों के साथ पूछेगा तो हम दोनों की कंप्लायंस का क्राइटेरिया देखेंगे, अगर वो अलग अलग पूछेगा तो हम अलग अलग देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को, और वो है जनाब सबसे शुरू में कि जी ये जो ऑडिटर अपॉइंट होंगे इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट द ऑडिटर। अब ये कि जब कंपनी बनती है, ठीक है, जब कंपनी बनी है भी स्टार्ट हुई है, तो क्या होता है कि हमने जब शुरू में, ठीक है, अब हो सकता है वो किसी भी डेट को बनी हो, किसी भी टाइम पे, हो सकता है 1 जनवरी 2020 को बनी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ईयर है आपको मालूम है कि वो जरूरी नहीं है कि वो 1 जुलाई को ही बनी हो, फुल फाइनेंशियल ईयर हो, ठीक है, अ पोर्शन ऑफ ईयर भी हो सकता है, ठीक है, कि जिसके अंदर पूरे 12 महीने ना हो, ठीक है। तो जब कंपनी बनती है तो उसमें कहा जाता है कि डायरेक्टर्स ने
जो आपके डायरेक्टर्स जो आपने नॉमिनेट किए हैं, विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन उन्होंने ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना है। कंपनी, आपको पता है स्टेजेस आपने पढ़ी हुई है कंपनीज एक्ट के अंदर, कि पहले कंपनी रजिस्टर होती है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जी आप अपना नेम, MOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जब आप रजिस्ट्रार को सबमिट कराते हैं तो कंपनी को रजिस्टर करता है। उसके बाद कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, अलॉट करती है, वो सारा प्रोसेस करती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अब जब अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को स्टार्ट करना है तो आप इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हैं। इस इनकॉर्पोरेशन से पहले आप अपने शेयर्स वगैरह तमाम इशू कर चुके होते हैं, ठीक है। जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं कि आपने शेयर्स इशू किया, आपके पास पैसा आ गया, अब आप बिजनेस की एक्टिविटीज को स्टार्ट करने लगते हैं, तो आप ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेते हैं। तो वो इस इनकॉर्पोरेशन की लेवल की बात कर रहे हैं कि जहां पे आपने अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज करना है, ठीक है। तो आपने उस 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, उसके विद इन 90 डेज उसके बाद से होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट 1 जनवरी से हुई है तो आप 2 जनवरी से काउंट करते हैं, ठीक है, कि 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि इनकॉर्पोरेशन को 90 दिन गुजर जाएं, तो इस 90 दिन के अंदर अंदर, अच्छा 90 दिन के बाद नहीं है, इन 90 डेज के अंदर अंदर आप चाहे 30 दिन में कर लें, चाहे 15 दिन में कर लें, चाहे 60 लगाएं, लेकिन 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन डायरेक्टर्स ने ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना है, और इस ऑडिटर को हम कहेंगे फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है। अब ऑडिटर अपॉइंट कब तक होगा? टिल फर्स्ट AGM। अब आपको मालूम है AGM कब होती है जी? किसी को मालूम है AGM कब कब होती है? फर्स्ट AGM कब होती है, कोई बताएगा? ईयर एंड के खत्म होने के 3 मंथ्स के अंदर अंदर। नहीं, फर्स्ट फर्स्ट AGM, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, तो फर्स्ट AGM होगी। अब मैम बी लॉ काफी देर हो गई है पड़े हुए, मैं खासे शायद इनकॉर्पोरेशन के कोई स्पेसिफिक डेज के बाद होती है। इनकॉर्पोरेशन के डेज नहीं, इनकॉर्पोरेशन के 16 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक हो गया मैम, ठीक है। और वो 3 महीने नहीं होते, वो 120 डेज हैं। हम अपनी आसानी के लिए उसको, तो फर्स्ट AGM होती है आपने इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज के अंदर अंदर आपने क्या करना है, ऑडिटर अपॉइंट करना है, और इनकॉर्पोरेशन के 16 मंथ्स बाद आपकी फर्स्ट AGM होती है, और फर्स्ट के बाद जो सब्सिक्वेंट AGM होगी वो हर ईयर एंड के विद इन 120 डेज, ठीक है। आप लोग आसानी के लिए उसको 3 महीने कह देते हैं, लेकिन उसके लिए आपने कहना, लॉ ने उसके लिए डेज का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ, यहाँ पे 16 मंथ्स का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है फर्स्ट AGM, ठीक है। तो हमने कहा इनकॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर अंदर आपने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, और इसका टेन्योर कब तक होगा? टिल फर्स्ट AGM। और मैंने आपको बताया जी फर्स्ट AGM कब होती है, विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी जब हुई है, सपोज 1 जनवरी 2020 को हुई है, तो इसके 16 महीनों बाद, यानी कि कब होगी? अगर 1 जनवरी को हुई है तो जी विद इन 16 मंथ्स कब होनी चाहिए? मंथ्स तो बताएं, कब कब 16 महीने पूरे हो रही होंगे? ऐसे तो ना करें, 30th अप्रैल, यस। तो यानी कि 30th अप्रैल 2021 से पहले पहले हो जानी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, तो पहला ऑडिटर ने तो AGM तक अपना दफ्तर संभाला, ठीक है। तो
अब क्या, अब दूसरा ऑडिटर कब सेलेक्ट होगा? डेफिनेटली जब पहले ने एजीएम तक दफ्तर संभाला, तो दूसरे को हम एजीएम में ही अपॉइंट करेंगे, ऐसा ही है। अब ये सब्सिक्वेंट कौन होगा? ये सब्सिक्वेंट को अपॉइंट करने वाले कौन लोग हैं? हमने कहा जी सब्सिक्वेंट को अपॉइंट करेंगे मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन होगी कि जी हम इन लोगों को रिकमेंड करते हैं या इसको करते हैं, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? मेंबर्स, ठीक है। और इसका टेन्योर कब तक होगा? टिल नेक्स्ट एजीएम। अगली एजीएम आएगी उस पे दोबारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे और मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। तीसरी हमारे पास जो सिचुएशन आती है वो है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? कि ऑडिटर अपनी पोजीशन को छोड़ दे, या तो हम उसको रिमूव कर दें, या उसकी डेथ हो जाए, या कोई और सर्कमस्टांस वो डिस्क्वालिफाई हो जाए, तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और कैजुअल वैकेंसी हमें फिल करनी होती है हमेशा विद इन 30 days ऑफ सच वैकेंसी। जैसी उसकी जगह खाली हुई है, ऑडिटर अब मौजूद नहीं है, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने डायरेक्टर्स ने कौन अपॉइंट करेगा इसको? डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। और इसका टेन्योर कब तक होगा? टिल नेक्स्ट एजीएम तक। एजीएम के अंदर हम नया ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। तो इन शॉर्ट कि फर्स्ट ऑडिटर के अलावा ऑडिटर कब अपॉइंट होता है? एजीएम के अंदर अपॉइंट होता है, ठीक है जी। इसमें कोई इशू? ठीक है, ये जो सारी बात लिखी हुई है ये सारी इस टेबल के अंदर इन 3 lines आ गई है, जो सारी यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर में, सब्सिक्वेंट ऑडिटर में और कैजुअल वैकेंसी के अंदर मेंशन है। अच्छा जी, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ पे आपने देखा कि जी फर्स्ट को अपॉइंट किया है डायरेक्टर ने, सब्सिक्वेंट को अपॉइंट किया है मेंबर्स ने, कैजुअल वैकेंसी होती है तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। तो याद रखिएगा, जब डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे तो जो इनका रेम्यूनरेशन है कि इनको कितने पैसे मिलेंगे फॉर अटेंडिंग द सॉरी इसका ऑडिटर को कितने पैसे मिलेंगे फॉर द ऑडिट, ये भी कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। अगर मेंबर्स ने अपॉइंट किया है तो मेंबर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात क्लियर है रेम्यूनरेशन वाली? जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, ठीक है, वही उसका रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करेगी, ठीक है। अगर कंपनी ने किया है तो कंपनी करेगी, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। अच्छा, एक और चीज जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, यहाँ पे डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करना था ऑडिटर को, अगर 90 दिन गुजर गए और डायरेक्टर्स ने ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, या सब्सिक्वेंट मीटिंग, सब्सिक्वेंट जो ऑडिटर था इसको अपॉइंट करना था मेंबर्स ने, और कब अपॉइंट करना था? एजीएम के अंदर। अगर इन्होंने एजीएम में अपॉइंट ना किया मेंबर्स ने, फिर क्या? इसी तरह कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 days डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करनी थी, और अगर डायरेक्टर्स ने अपॉइंट ना किया तो फिर क्या करेंगे? या फिर आपने जिस ऑडिटर को नॉमिनेट किया है वो अनविलिंग है, वो कहते हैं मैंने नहीं करना ऑडिट आपका, तो आप क्या करें? इन सिचुएशन में याद रखिएगा, हमने कहा कि फर्स्ट ऑडिटर जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करना था, अगर वो अपॉइंट नहीं करते हैं तो कमीशन अपॉइंट करेगा, ठीक है। अगर मेंबर्स ने अपॉइंट करना था एजीएम के अंदर और मेंबर्स ने अपॉइंट नहीं किया, तो फिर कमीशन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। इसी तरह कैजुअल वैकेंसी 30 days के अंदर फिल करनी थी, और अगर डायरेक्टर्स ने कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 days फिल नहीं की, तो अब कमीशन अपॉइंट करेगा।
या फिर ये जो ऑडिटर जो अनविलिंग टू एक्ट है, अब क्या होगा, अब कमीशन ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। सो इसी तरह अगर डायरेक्टर, अगर ऑडिटर को अपॉइंट किया डायरेक्टर ने यहाँ पे, तो उसका रेम्यूनरेशन भी डायरेक्टर्स सजेस्ट करेंगे। अगर मेंबर्स ने अपॉइंट किया तो रेम्यूनरेशन भी मेंबर्स यानी कि कंपनी सजेस्ट करेगी। अगर कमीशन ने ऑडिटर को अपॉइंट किया तो उसका रेम्यूनरेशन भी कमीशन बताएगा कितना होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, यही बात वो सारी लिखी हुई आगे कि जनाब अगर डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया तो रेमुनरेशन भी डायरेक्टर्स करेंगे, अगर एससीसीपी यानी कमीशन ने किया तो एससीसीपी करेंगे, और तमाम केसेस मेंबर्स करेंगे। ठीक है। ऑडिटर अनविलिंग है कि ऑडिटर कहते हैं आपने नॉमिनेट किया मेंबर्स ने मीटिंग के अंदर कि जी ये पर्सन हमारा ऑडिटर होगा, ठीक है, और ऑडिटर कंसेंट नहीं देता कि जी मैं आपको ऑडिटर बनना चाहता हूँ, अनविलिंग है। फॉर इंस्टेंस आपने कहा ये जो मेंबर्स ने कहा कि जी ये इसको नॉमिनेट करें एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट, ऑडिटर कहता है टाइम नहीं है, अपनी कंसेंट नहीं देता, तो फिर अब ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, कमीशन करेगा। ठीक है जी। क्लियर है? आगे चले। अच्छा जी, आगे हमारे पास जनाब ये प्रोविजन है रेजोल्यूशंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अच्छा, कंपनी एक्ट के अंदर कहीं पे भी रिजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर की बात नहीं हो रही कि ऑडिटर रिजाइन कैसे करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ वो हमें अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में जरूर बता रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है, मैं अभी बोल नहीं रही हूँ जी, अब आवाज क्लियर है सबको जी? जावेद, आपको आवाज क्लियर आ रही है? मैं पहले कुछ बोल नहीं रही थी जी। जावेद अहमद रजा, आपको आवाज क्लियर आ रही है? ओके जी, शुरू करते हैं। याद रखिएगा, हमने बात की कि जी आपने सपोज एजीएम के अंदर ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, और ऑडिटर सपोज हमने कहा जी केपीएमजी के, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट ईयर यानी कि हमारी जो ये जो फर्स्ट एजीएम यानी कि हम कहते हैं जी हमारा जो ईयर था 1 July 2020 to 30 June 2021, यानी कि ईयर एंड 30 जून 2021 के ऑडिटर थे केपीएमजी। अब नेक्स्ट ईयर जो हमारा 2022 का यानी कि 30 जून 2022 दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 July 2021। अब नेक्स्ट ईयर का ऑडिट कौन होगा? हमने कहा कि जनाब हम इस जो एजीएम होगी उसमें अपॉइंट करते हैं। तो अगर आपने एजीएम यानी कि आपको ये मालूम है 30 जून 2020 के विद इन 120 डेज एजीएम होना जरूरी है, तो रजा मोबाइल को चार्ज पिंग पे लगा लें, आसान सॉल्यूशन, ठीक है, जाके चार्जिंग पोर्ट के पास बैठ जाए, चार्जिंग पे लगाएं और साथ में क्लास लें,
लाइट नहीं है तो फिर आपको बैकअप चार्जर रखना चाहिए, पावर बैंक, ठीक है, किसी सिस्टम के साथ लगा लें, किसी लैपटॉप के साथ लगा लें। चले नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है जी, तो विद इन 120 डेज एजीएम होगी। अब ये जो एजीएम होगी, ये वाली एजीएम, इसके अंदर हमने कहा था कि हम बताते हैं कि हमारा नेक्स्ट ईयर का ऑडिटर कौन होगा। तो अगर आपने केपीएमजी के अलावा किसी और को ऑडिटर अपॉइंट करना है, हमने कहा जी हम केपीएमजी को नहीं, हम इस दफा इस ईयर का ऑडिटर पीडब्ल्यूसी होगा, यानी कि एफ फर्गसन होगी। तो आपने उसने कहा कि अगर आपने किसी और को ऑडिटर अपॉइंट करना है, फ्रॉम द आप केपीएमजी का नाम हो गया जी रिटायरिंग ऑडिटर, क्योंकि अगर आपने केपीएमजी को भी अपॉइंट करना होता तो इस एजीएम के अंदर हम ये पास करते कि जी हमने हमारे अगले साल के ऑडिटर की केपीएमजी, हमने हर एजीएम में बताना होता है कि हमारा नेक्स्ट ईयर का ऑडिटर कौन है। लेकिन अगर इसीलिए हम इसको रिटायरिंग ऑडिटर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट एजीएम में बताते हैं कि अगला ऑडिटर कौन होगा, ठीक है। तो हमने कहा अगर हम रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा किसी और को नॉमिनेट कर रहे हैं, हम पीडब्ल्यूसी को नॉमिनेट कर रहे हैं, तो हमें पहले रेजोल्यूशन पास करनी होगी, लाजमी है कि हम इस पे वोटिंग लेंगे कि जी हम केपीएमजी को छोड़ के पीडब्ल्यूसी को अपॉइंट कर रहे हैं, तो कितने लोग इसकी फेवर में हैं, ठीक है। तो आपने रेजोल्यूशन पास करनी है, और आप कंपनीज एक्ट में पढ़ चुके हैं, रेजोल्यूशन, कोई भी रेजोल्यूशन पास करनी हो तो उसका पहले नोटिस दिया जाता है, ऐसा ही है, नोटिस के बगैर तो नहीं होता। तो आपने अब जब भी एजीएम होगी तो जो एजीएम का जो नोटिस है, यानी कि विद इन 120 डेज एजीएम होगी, तो एजीएम के नोटिस के अंदर हम ये मेंशन करेंगे कि जनाब हम केपीएमजी के अलावा, केपीएमजी की बजाय इस दफा पीडब्ल्यूसी को अपना ऑडिटर बनाएंगे, इस पे हमारी एजेंडा मेंशन करेंगे कि इस पे रेजोल्यूशन पास होनी है। तो काइंडली आपने इस मीटिंग पे जो है, इस जगह पे, इस टाइम पे, ये मीटिंग इस जगह पे होगी जिसके अंदर हमने रेजोल्यूशन पास करनी है कि हम रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये बात होगी कि आप अपॉइंटमेंट करोगे किस तरह, कि अगर आपने किसी और को अपॉइंट करना है, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि जी, अब दूसरी बात यह है कि मेंबर्स के पास भी राइट होता है, वो मेंबर्स चाहे वो एक या किसी और मेंबर्स को अपने साथ मिला लें, जिनके पास हमने कहा कि 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो, मोर देन 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो, ठीक है, वो भी प्रपोज कर सकते हैं किसी ऑडिटर को, ठीक है, प्रपोज कर सकते हैं। मेंबर्स मींस शेयर होल्डर्स, जी बिल्कुल, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स एक ब्रॉडर टर्म होती है, मेंबर्स से मुराद वो लोग जिनके पास शेयर्स हैं। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल नहीं है, तो वो लोग जिन्होंने गारंटी दी है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स एसेट्स ऑफ द कंपनी, उसे हम कहते हैं मेंबर। तो हमने कहा वो मेंबर्स जिनके पास 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो, वो भी प्रपोज कर सकते हैं कोई पर्सन एज एन ऑडिटर। सपोज वो प्रपोज करते हैं कि जी हमारा ऑडिटर होगा ईवाई, ठीक है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन मेंबर्स ने, ये जो मेंबर्स जिनकी शेयर होल्डिंग है, जो प्रपोज कर रहे हैं, उन्होंने ईवाई से कंसेंट भी लेनी है, पहले कंसेंट लेनी है फिर प्रपोज करेंगे। पहले ये मेंबर्स ईवाई से कंसेंट लेंगे कि आप मेरा ऑडिटर बनना चाहते हैं, अगर ईवाई कहते हैं जी मैं बन जाऊंगा, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे कि ये बताएंगे किसको, कंपनी को, जो भी एजीएम होनी है
उससे 7 days पहले, ठीक है, एट लीस्ट 7 days बिफोर एजीएम, 7 days बिफोर एजीएम इंटीमेट करेंगे टू कंपनी, इंटीमेट टू कंपनी क्या कि जी हम प्रपोज कर रहे हैं किसको, ईवाई को, कि वो हमारे ऑडिटर बन जाए, ठीक है। हमने कहा 7 days बिफोर द एजीएम कंपनी को इंटीमेट करेंगे कि हम चाहते हैं हमारी शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा है और हम क्या चाहते हैं कि जनाब ईवाई हमारा ऑडिटर बने। अब ये जो उन्होंने कंपनी को इंटीमेट किया है, एक नोटिस भेजा है, इंटीमेट करेंगे किस फॉर्म में, एक नोटिस फॉर्म की फॉर्म में, कंपनी को एक नोटिस भेजेंगे कि हम चाहते हैं कि ईवाई हमारी ऑडिटर हो, हमारे पास 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, कंपनीज एक्ट ने हमें राइट दिया है कि हम प्रपोज कर सकें अपनी मर्जी का ऑडिटर। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इस नोटिस को, ये जो नोटिस उन्हें इस मेंबर्स ने भेजा है, पहला स्टेप क्या है कि जनाब हमने कहा कि मेंबर्स के पास, वो मेंबर्स जिनके पास 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उसकी कंसेंट लेनी होगी। दूसरा ये है कि वो 7 days बिफोर द एजीएम कंपनी को नोटिस भेजेंगे कि हम ईवाई को नॉमिनेट करना चाहते हैं और उसकी हमने कंसेंट ले ली है। अब थर्ड स्टेप क्या है कि कंपनी यही नोटिस भेजेगी किसको, तमाम मेंबर्स को, ठीक है, तमाम मेंबर्स को भेजेगी, रिटायरिंग ऑडिटर को भेजेगी कि जी ये मेंबर्स ने हमें नोटिस भेजा है कि हम रिटायरिंग ऑडिटर जो भी, चाहे वो केपीएमजी है, कि जी हम यही 10% ये जो शेयर होल्डिंग वाले लोग हैं ये ईवाई को नॉमिनेट करना चाहते हैं। हमने कहा कंपनी ने क्या कर दिया, ये नोटिस सेंड कर दिया, नोटिस किसको, मेंबर्स को, रिटायरिंग ऑडिटर को। और एक और काम करती है कि कंपनी इसको पोस्ट कर देती है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि जी ये जो शेयर मेंबर शेयर होल्डर हैं जिनके पास 10% से ज्यादा वोटिंग पावर है, इन्होंने प्रपोज किया ईवाई को फॉर देयर ऑडिटर, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे भी इसको पोस्ट कर देगी, ठीक है। अब डे ऑफ द मीटिंग पे क्या होगा, डे ऑफ द मीटिंग पे रेजोल्यूशन पास होगी, अगर पास रेजोल्यूशन पास होगी तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, ऑडिटर बन जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज ये है कि ये जो रिटायरिंग ऑडिटर था इसके पास कोई राइट है क्या, याद रखिएगा, इन एनी केस जिस तरह यहां पे हमने कहा था कि हम खुद अपनी मर्जी से भी किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं, केपीएमजी के अलावा पीडब्ल्यूसी को कर सकते हैं, इसी तरह कोई मेंबर भी प्रपोज कर सकता है ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। तो रिटायरिंग ऑडिटर के पास क्या कोई राइट्स हैं, जी कंपनीज एक्ट ने उसको राइट दिया है कि रिटायरिंग ऑडिटर हो सकता है, मे बी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो कंपनी और रिटायरिंग ऑडिटर, तो क्योंकि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है उसको ये राइट दिया गया है कि आप एक रिटन रिप्रेजेंटेशन एजीएम जब होनी है उससे 2 days पहले, ठीक है, एटलीस्ट 2 days बिफोर, आप इससे पहले भी दे सकते हैं लेकिन 2 दिन कम से कम, एटलीस्ट 2 days बिफोर द एजीएम रिटायरिंग ऑडिटर रिटायरिंग ऑडिटर ने 2 days बिफोर द एजीएम वो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दे सकता है किसको, कंपनी को, कि हो सकता है कोई फैक्ट्स जो कंपनी को बताने जरूरी है वो ये रिटन रिप्रेजेंटेशन दे सकता है इन राइटिंग। और उसका ये राइट है कि ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है ये रीड आउट की जाए कहां पे, एजीएम के अंदर, उसने जो लिख के भेजा है वो रीड आउट की जाए कब, एजीएम के अंदर, वो कब लिख के भेज सकता है, उसने कहा एजीएम कम 2 दिन पहले, वो कुछ भी लिख के भेज सकता है कि जी मुझे इसलिए अगले साल ऑडिट नहीं दे रहे क्योंकि पिछले साल हमारे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गए थे या कोई बात,
ठीक है, याद रखिएगा कि अगर तो वो रिप्रेजेंटेशन देता है, हमने कहा ये उसका राइट है, हो सकता है वो ना दे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसने दे दिया है तो ये राइट है कि एजीएम के अंदर रीड की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर उसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है तो ये रिटायरिंग ऑडिटर भी एजीएम को अटेंड करेगा। वैसे तो करना ही होता है, क्यों? पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इन्होंने ही ऑडिट किया है ना, तो या तो ये खुद अटेंड करेगा या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट कर लेगा। तो इनका एजीएम के अंदर होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली है, रेजोल्यूशन पास कर ली है कि जी ये पर्सन ऑडिटर होगा, तो जो भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यूजली क्या होती है, वही एजीएम की डेट। ठीक है, तो आपने उसके 14 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है अलोंग विद कंसेंट ऑफ ऑडिटर कि जी ये हमारा न्यू ऑडिटर है और ये उसने कंसेंट लिख के दी है कि मैं आपकी कंपनी को ऑडिट करूंगा। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं सारी स्टोरी को। हमने कहा अगर आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है, अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले तो हमने देख लिया था कि फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है। हमने कहा कि फर्स्ट ऑडिटर्स आपके डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, जिसकी टर्म जो होती है वो एजीएम तक होती है, सब्सिक्वेंट मेंबर्स करेंगे, ठीक है, और उसकी टर्म जो है वो नेक्स्ट एजीएम तक होगी। ठीक है, अगर आपने, आप ये भी कर सकते हो कि एजीएम के अंदर कहो कि अगर आपका पिछले साल का ऑडिट केपीएमजी ने किया, तो आप एजीएम के अंदर कह सकते हो कि इस साल का ऑडिट भी केपीएमजी करेगी। लेकिन अगर आपने केपीएमजी के अलावा किसी और को अपॉइंट करना है, तो आपको रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी कि जनाब हम केपीएमजी के बजाय पीडब्ल्यूसी को अपॉइंट कर रहे हैं एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। हमने कहा मेंबर्स, वो मेंबर्स जिनके पास 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, वो भी नॉमिनेट प्रपोज कर सकते हैं एनी अदर ऑडिटर को, लेकिन वो जो एनी अदर ऑडिटर है उससे कंसेंट लेना पहले जरूरी है। सपोज हमने कहा कि हमारे ऑडिटर थे पीडब्ल्यूसी, इन मेंबर्स ने कहा है कि हमारा ऑडिटर कौन होना चाहिए, ईवाई होनी चाहिए। तो हमने कहा जी अगर ऐसे मेंबर्स की कोई ख्वाहिश है कि वो अपनी मर्जी का ऑडिटर नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस बात का नोटिस कंपनी को भेजना है जी हम ये इस पर्सन को नॉमिनेट करना चाहते हैं एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो ये आपने नोटिस कब भेजना है, 7 डेज बिफोर द एजीएम। कंपनी क्या करेगी, ये नोटिस फिर मेंबर्स को भेज देगी जी ये पर्सन, ये जिनके पास इतनी शेयर होल्डिंग है, ये चाहते हैं कि हमारा ऑडिटर ईवाई हो। ये ना सिर्फ ये नोटिस मेंबर को भेजेगी बल्कि अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करेगी और रिटायरिंग ऑडिटर को भी भेजेगी। फिर हमने कहा जी रिटायरिंग ऑडिटर के पास क्या राइट है, हमने कहा रिटायरिंग ऑडिटर के पास राइट है कि वो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन बना के दे सकता है एटलीस्ट 2 डेज बिफोर द एजीएम टू द कंपनी। उसका ये राइट है कि उसकी एजीएम जो है रीड आउट की जाए मीटिंग के अंदर। फर्दर उस रिटायरिंग ऑडिटर ने उस मीटिंग को अटेंड भी करना होगा, वो खुद भी कर सकता है, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी कर सकता है। अब हमने कहा कि जब आपने रेजोल्यूशन पास कर लिए कि सपोज ईवाई होगी आपके ऑडिटर, तो उसकी अपॉइंटमेंट से विद इन 14 डेज आपने रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है और उसका कंसेंट भी सेंड करनी है, आपको लिख के दी होगी जी। इसमें कोई इशू? क्लियर है, आगे चलें? अच्छा जी, आगे एक बड़ी अगला जो टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था कि जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3.4, उसमें सबसे पहले समझते हैं कि जी किन कंपनीज का, मैंने आपको बताया था हम देखेंगे कि जी किन कंपनीज का ऑडिट होना चाहिए। याद रखिएगा हर पब्लिक कंपनी पे मैंडेटरी है कि उसका ऑडिट हो, हर प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन हो या उससे ज्यादा हो,
पेड अप कैपिटल अगर 3 मिलियन से कम है तो उस पर ऑडिट की कंपल्शन नहीं है. 3 मिलियन या उससे ज्यादा जिसका पेड अप कैपिटल हो उस पे लाजिम है कि उसको ऑडिट होना चाहिए. या कोई प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी हो किसकी, पब्लिक कंपनी की, लाजिम है कि इनको ऑडिट हो लॉ की तरफ से. तमाम पब्लिक कंपनीज को ऑडिट होना चाहिए, जिसको हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट कहा था. हर वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा है, हर वो प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, उसका ऑडिट होना कंपल्शन है, लाजिम है. क्लियर है कि जी इन, हमने कहा था कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लॉ ने रिक्वायरमेंट्स रखी हुई है कि इनका मैंडेटरी है ऑडिट होना. ठीक है, अब बात यह है कि इनका ऑडिट तो होना मैंडेटरी है, ऑडिट करेगा कौन, हु इज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी. तो हमने कहा जी इनका ऑडिटर कौन करेगा, हमने कहा इनको ऑडिटर करेगा जनाब एक अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा. और ये वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसको किसने इश्यू किया होगा, नो शेयर कैपिटल रिस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, नो रिस्ट्रिक्शन, तमाम पब्लिक कंपनीज चाहे उनका शेयर कैपिटल कितना ही, तमाम प्राइवेट कंपनीज जो सब्सिडरी हैं पब्लिक कंपनीज की, वट एवर इज देयर शेयर कैपिटल, उनका ऑडिटर, उनका ऑडिट होना मस्ट है. और उनका ऑडिट कौन करेगा, हमने कहा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान. ठीक है जी, तो हमने कहा कि इन कंपनीज का क्लियर. तो हमने कहा इसके अलावा अगर कोई और कंपनी है, ठीक है, जो अपनी मर्जी से ऑडिट करवाना चाहती है तो उनका ऑडिट कौन करेगा. हमने कहा इनके लिए तो आपने बता दिया कि इनका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान है वो करेंगे. तो हमने कहा इसके अलावा जो कंपनीज है अगर वो ऑडिट करवाना चाहती है अदर देन दीस, ठीक है, अदर देन स्पेसिफाइड अबव, ठीक है, इनका तो लाजिम है, लेकिन हर कोई जो कोई कंपनीज है सको इनको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई और कंपनी है जो अपना ऑडिट खुद करवाना चाह रही है कि जी कोई आके मेरा ऑडिट कर ले, तो उनका ऑडिट कौन करेगा. तो हमने कहा जी उनका ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास एग्जैक्टली वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है वो भी कर सकता है. इसके अलावा कोई कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ICMAP, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान से वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो वो भी कर सकते हैं. ठीक है, याद रखिएगा अगर कोई फर्म है इन बोथ केसेस और फर्म के अंदर मेजॉरिटी लोग ही क्वालिफाइड हैं, ठीक है, और मेजॉरिटी के पास ही प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है, तो हम फिर ऑडिटर को उसकी फर्म के नेम से जानेंगे. ठीक है, तो हमने कहा कि इन कंपनीज का ऑडिट होना जरूरी है, तमाम पब्लिक कंपनीज, तमाम प्राइवेट कंपनीज इनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा है, या कोई प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है पब्लिक कंपनी की, इनका कौन करेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा. हमने कहा उसके अलावा फॉर इंस्टेंस कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल था, हमने कहा जी 1 मिलियन था, तो उसका ऑडिट कौन कर सकता है, हमने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है. क्लियर है. अच्छा, आप लोगों का भी होमवर्क है, होमवर्क एक तो यह है कि आपने पढ़ के आना है, पास्ट पेपर के सवालात करके आने हैं, जो आपका फर्स्ट वाला पोर्शन था उसके पास्ट पेपर के सवालात आपने लाजमी करने हैं. दूसरा आपका होमवर्क यह है
आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है दैट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, ठीक है, हमने 3.1 किया है, 3.2 किया है, दिस इज 3.1, दिस इज 3.2, दिस इज 3.3, और 3.4 के अंदर हमने ये फर्स्ट टू पैराग्राफ्स कर लिए। आपका होमवर्क ये है कि ये जो कुछ एक क्राइटेरिया दिखाया हुआ है जो ABCD नजर आ रहे हैं कि नन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कि इनमें से कोई भी पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, यानी कि ये डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने ये जो डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के जो पॉइंट्स हैं जो कि जे तक है, ठीक है, इस सारे को आपने याद कर लेने, ठीक है। वैसे तो आपने पूरा ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव वीकेंड पे पढ़ के आना है, ठीक है, सारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ के आना है, ठीक है, और इसके पास पेपर के सवालात करने कोशिश करनी है। मंडे को हम ये टॉपिक करने के बाद हम इसके पास पेपर के सवालात करेंगे। ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर है और जो हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3.5 है, 3.5 अभी हम स्किप करेंगे, इसको हम करेंगे रिपोर्ट के साथ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3.6 जरूर करेंगे, लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो 3.5 है ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर 14 है उसके साथ पढ़ेंगे। सैटरडे ऑफ है, कल आपका ऑफ है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आपने वीकेंड पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा ये जो डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के पॉइंट्स हैं इनको याद करना है, समझना है, हम मंडे की क्लास में इनको फर्दर डिटेल से फिर देखेंगे, ठीक है। जो सवालात जो आप पढ़ चुके हैं उसके पास पेपर के सवालात आपने लाजमी करने, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो कि चूंकि हमने करा ही नहीं है, अभी तक पढ़ा ही नहीं है, इसके क्वेश्चंस आपके पास T2 लेवल के हैं, लेकिन बाकी तमाम T1 लेवल के हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं क्लास को एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।